पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे स्लाइडिंग प्लैनेट मॉडल की बात कर रहे थे, स्लाइडिंग प्लैनेट मॉडल। और इसको दो इवेंट्स में डिवाइड किया था। एक जो हमने बात की थी किसकी, क्रॉस ब्रिज, एक तो क्रॉस ब्रिज साइकिल था और दूसरा था रिलैक्सेशन। क्रॉस ब्रिज साइकिल हमने पढ़ ली थी। क्रॉस ब्रिज साइकिल जब बनती है तो वो किस लिए बनती है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और जब क्रॉस ब्रिज साइकिल ब्रेक होती है तो मसल क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। अब जो क्रॉस ब्रिज का बनने का प्रोसेस था वो देखें मैंने किस तरह से बताया था। वो क्रॉस ब्रिज बनने का प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले जो है वो आपके ब्रेन से जो है वो, या स्पाइनल कॉर्ड भी कह सकते हैं उसको, सीएनएस कह सकते हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेकर आया, नर्व इंपल्स लेकर आया मोटर न्यूरॉन। और जब ये मोटर न्यूरॉन आपके पास कहाँ पहुंचा, मोटर एंड प्लेट पर पहुंचा, मोटर एंड प्लेट कह लो इसको, या मोटर एंड प्लेट के पास जो है वो मैम्स जो सार्कोलीमा होती है वो अंदर की तरफ पेनेट्रेट कर जाती है, इसको हम टी ट्यूब्यूल कहते हैं, इसको आप टी ट्यूब्यूल भी कह सकते हो, या आप यहाँ पर कह लो कि यहाँ सार्कोलीमा भी इसको कह सकते हो। मतलब जब ये मोटर न्यूरॉन नर्व इम्पल्स लेकर पहुंचता है, या नर्व इम्पल्स जब मोटर न्यूरॉन के एंड पर पहुंचती है, तो यहाँ से जो है वो मोटर न्यूरॉन क्या रिलीज कर देता है, ये रिलीज कर देता है एक न्यूरो ट्रांसमीटर जिसको आप कहते हो एसीटाइल कोलिन। जैसे ही एसीटाइल कोलिन जो है वो मोटर एंड प्लेट या सार्कोलिमा के रिसेप्टर के साथ अटैच होता है तो एक चेंज आता है जिसकी वजह से, मतलब उसकी पोलरिटी चेंज होती है सार्कोलिमा की, जिसकी वजह से क्या होगा कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या रिलीज कर देंगे, वो रिलीज कर देंगे कैल्शियम। ये तमाम तस्वीरें मैंने लास्ट टाइम बना के दिखा दी थी, अब सिर्फ इमेजिन करते जाएं इन चीजों को कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या रिलीज होता है, कैल्शियम। अब कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम आयन क्या करेंगे, कैल्शियम आयन जो है वो जाकर अटैच हो जाते हैं किसके साथ, ट्रोपोनिन के साथ। जब कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ अटैच होते हैं तो ट्रोपोनिन के अंदर क्या लेकर आते हैं, उसकी शेप चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करते हैं, उसकी शेप जो है वो क्या कर दी, चेंज कर दी, इसकी ट्रोपोनिन की। और उस शेप चेंज होने की वजह से क्या होता है कि ट्रोपोमायोसिन जो है वो क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, यानी अपनी जगह से वो हट जाएगा। और जब ट्रोपोमायोसिन डिस्प्लेस होगा अपनी जगह पर तो क्या होगा, बाइंडिंग साइट, इसके बाइंडिंग साइट, मायोसिन के बाइंडिंग साइट जो कहाँ पर मौजूद थे, एक्टिन पर मौजूद थे, वो क्या हो गए, एक्सपोज हो गए। जब मायोसिन के बाइंडिंग साइट जो एक्टिन पर मौजूद होते हैं एक्सपोज हो जाते हैं तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त फिर आता है एटीपी। उस वक्त क्या आएगा, उस वक्त आएगा एटीपी, और एटीपी जाकर बाइंड हो जाएगा किसके साथ, मायोसिन के हेड के साथ, मायोसिन के हेड के साथ बाइंड होगा। मायोसिन के हेड के साथ जब एटीपी बाइंड होगा तो यहाँ पर आएगा एटीपीएस। एटीपीएस एंजाइम क्या करेगा, एटीपी को तोड़ देगा एडीपी और फॉस्फेट में, जिससे एनर्जी रिलीज होगी। और ये एनर्जी किस चीज़ में हेल्प करेगी, बाइंड करने में मायोसिन के हेड को, प्लस किसके साथ, एक्टिन के बाइंडिंग साइट पर, और जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, एक क्रॉस ब्रिज बनेगी। ये पूरा क्रॉस ब्रिज बनने का हमने किस तरह से पढ़ा था, ये पूरी जो है वो समरी है क्या क्रॉस ब्रिज बनने की। अब ये क्रॉस ब्रिज बन तो गया, अब इस क्रॉस ब्रिज ने ब्रेक डाउन होना है। अब हमने आगे पढ़ना है कि ये क्रॉस ब्रिज कैसे ब्रेक डाउन होगा और मसल दोबारा रिलैक्स कैसे होंगे। इस क्रॉस ब्रिज जब बन जाता है तो क्रॉस ब्रिज क्या करता है, इसकी वजह से जो है वो मसल्स क्या होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है। और आपको पता है कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर करके किस पे आ जाते हैं, थिक फिलामेंट पर।
यानी थिक फिलामेंट जो है वो थिन फिलामेंट को खींच कर कहाँ लेकर आ जाता है, सेंटर में लेकर आ जाता है। यहाँ तक बात हमने कर ली थी पिछले वाले लेक्चर में। आज जो हम बात करेंगे मसल्स के रिलैक्सेशन की, कैसे ये क्रॉस ब्रिज जो है वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट जो है। व्हेन नर्व इम्पल्स सीजेस टू इवेंट्स रिलैक्स मसल फाइबर, यानी जब नर्व इम्पल्स आना बंद हो गई, आपको पता है जब ब्रेन से मैसेज आ रहा था, अब नर्व इम्पल्स आ गई थी, नर्व इम्पल्स ने क्या किया था, एसिटाइलकोलाइन रिलीज करा दिया था, एसिटाइलकोलाइन जाकर कहाँ पर अटैच हो गया था, जो है वो सार्कोलीमा के रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो गया था। चले बना भी देता हूँ, अब मिसाल के तौर पर ये देखो, ये पहले मैं तस्वीर बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर जो है वो तस्वीर बना के साथ साथ मैं समझा देता हूँ आपको। अब ये देखो, ये मिसाल के तौर पे मोटर न्यूरॉन है, ये आपकी सार्कोलीमा है, मैं इसका टी ट्यूबुल बना नहीं रहा हूँ, सिंपल करके सार्कोलीमा में बना रहा हूँ। ये क्या है, ये है सार्को लीमा। ये मोटर न्यूरॉन से क्या निकला था, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको आप क्या कह रहे थे, जिसको आप कह रहे थे कि जो था एसिटाइलकोलाइन। अब एसिटाइलकोलाइन जो होता है वो यहाँ पर इसके रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ये इसके रिसेप्टर्स हैं। एसिटाइलकोलाइन किसके साथ जाकर अटैच हो जाता है, इन रिसेप्टर के साथ जाकर अटैच हो जाता है। एसिटाइलकोलाइन जो है वो अपने रिसेप्टर के साथ जाकर अटैच हो, जैसे ये रिसेप्टर के साथ अटैच होता है कुछ प्रोटीन गेट खुल जाते हैं, जिसकी वजह से सोडियम अंदर जाता है और इसकी पोलरिटी चेंज हो जाती है। अब वो सोडियम अंदर जाने की वजह से, पोलरिटी चेंज होने की वजह से फर्क क्या आता है कि इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या रिलीज हो जाते हैं, कैल्शियम, सही है ना। अब होगा यहाँ पर क्या, अब ये जो प्रोसेस हुआ था मसल क्रॉस ब्रिज बनने का, अब ये रिवर्स होगा, रिलैक्सेशन में क्या होगा, ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। कैसे, व्हेन नर्व इम्पल्स सीजेस, यानी अब नर्व इम्पल्स यहाँ पर आना बंद हो गई है, टू इवेंट्स रिलैक्स मसल फाइबर। अब दो इवेंट्स हैं जो मसल फाइबर को क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अब नर्व इम्पल्स तो नहीं आ रही है, लेकिन आप देखें ये जो एसिटाइलकोलाइन है जो यहाँ मौजूद है, ये मजीद जो है इसको जो है वो मसल्स को मजीद क्या कर सकता है, स्टिमुलेट कर सकता है, क्योंकि तो उसके केमिकल एसिटाइलकोलाइन अभी भी यहाँ पर सिनेप्स में मौजूद है, ये बीच वाले से क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं सिनेप्स यहाँ पर मौजूद है। तो अब यहाँ पर दो इवेंट होते हैं जो क्या करते हैं, इसको रिलैक्स करने में मदद देते हैं। हम देखो फर्स्ट इवेंट में क्या होता है, ड्यूरिंग फर्स्ट इवेंट द एसिटाइलकोलाइन डेट रिमेन इन द सिनेप्स, यानी एसिटाइलकोलाइन जो किसमें मौजूद है, ये सिनेप्स में मौजूद है, इज रैपिडली डीकम्पोज बाय एन एंजाइम कॉल्ड एसिटाइलकोलाइन। एक एंजाइम होता है और इस एंजाइम का जो ये एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एसिटाइलकोलाइन। अभी जो एंजाइम है यहाँ पर को हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं एसिटाइलकोलाइन एस्टीर, एस्टीरेज, पूरा नाम इसका क्या है, एसिटाइलकोलाइन एस्टीरेज। ये अब ये एंजाइम जो है वो क्या करता है, ये जितना भी यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर पड़ा हुआ है, एसिटाइलकोलाइन पड़ा हुआ है, उसको क्या कर देता है, उसको जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है। उसको क्या करेगा, ये ब्रेक डाउन करेगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर अगर ऐसे बना दूँ कि इसने क्या किया, इस सबको जितना भी यहाँ पर एसिटाइलकोलाइन पड़ा हुआ था उसको क्या कर दिया, उसको ब्रेक डाउन कर दिया। क्यों ब्रेक डाउन कर दिया, कहीं दोबारा से नर्व इम्पल्स को एक्टिव ना कर दे, कहीं दोबारा जो है वो अब जो है वो मसल्स को दोबारा ये एक्टिव ना करे, तो उसको क्या कर देता है, सबसे पहले ये एसिटाइलकोलाइन आकर क्या करेगा, इसको जो है वो इसको साफ कर देगा, यानी इसको ब्रेक डाउन कर दिया, इसको एसिटाइलकोलाइन। तो यही कह रहा है कि द एसिटाइलकोलाइन दैट रिमेन इन द सिनेप्स इज रैपिडली डीकम्पोज बाय एन एंजाइम कॉल्ड एसिटाइलकोलाइन एस्टीरेज, इसको डीकम्पोज कर देता है, इसको ब्रेक डाउन कर देता है। दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन सिनेप्स एंड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ मोटर एंड प्लेट, यानी कहता है कि ये एंजाइम कहाँ मौजूद है, ये एंजाइम मौजूद होता है किसमें, सिनेप्स के अंदर पहले से ही एंजाइम क्या है, मौजूद होता है, और यहाँ मोटर एंड प्लेट के करीब भी क्या होता है, मौजूद होता है। आप कहोगे अगर ये पहले से मौजूद होता है तो फिर ये न्यूरो ट्रांसमीटर को पहले से ही क्यों नहीं खत्म कर देता, न्यूरो ट्रांसमीटर को वहां पहुंचने से पहले ही ब्रेक डाउन करे,
लेकिन ये एंजाइम अपना काम थोड़ा स्लो करता है, यानी जब तक ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ तक चले भी जाते हैं वो रिसेप्टर के साथ अटैच भी हो जाते हैं। हम क्या कह रहे हैं, एक मिनट ये स्लो है, फिर जो है वो कनेक्ट कर रहा हूँ, ये देखें। तो अभी आपको मेरी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? अभी स्क्रीन शायद शेयर नहीं हो रही होगी, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, 1 मिनट लीजिए। अब आप देखें स्क्रीन शेयर हो गई आपके साथ, आवाज भी आ रही है, स्क्रीन भी शेयर हो रही है। तो अब हमने क्या बात की, पहले पहले हमने जो है वो इसके अंदर क्या हुआ, पहले इवेंट के अंदर, पहले इवेंट के अंदर अब आपको समझ में आ गया होगा कि जितना भी न्यूरो ट्रांसमीटर पड़ा हुआ था ये मोटर न्यूरोन है, ये क्या है, ये है मोटर न्यूरॉन, और ये आपकी जो है वो सार्को लीमा है या मोटर एंड प्लेट के लाइंस है, और ये इसके ऊपर रिसेप्टर्स हैं, और यहाँ पर ये क्या मौजूद थे, ये मौजूद हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। लेकिन एसिटाइलकोलाइन जो है वो जो है एस्टरेज जो एंजाइम था उसने क्या किया, उसने जो है वो इसको क्या कर दिया, इसको जो है वो डीकम्पोज कर, ब्रेक डाउन कर, जितने भी थे यहाँ से क्या होगा, ये खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब सेकेंड इवेंट देखो, व्हेन एसिटाइलकोलाइन इज ब्रोकन डाउन द स्टिमुलस टू द सार्कोलीमा एंड द मेम्ब्रेन विद इन द मसल फाइबर सीज, यानी जब एसिटाइलकोलाइन ब्रेक डाउन हो गया, असल इसको जो स्टिमुलस दे रहा था कि किसको, कैल्शियम आयन रिलीज करने के लिए जो स्टिमुलस दे रहा था, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो स्टिमुलस मिल रहा था, वो असल में इस एसिटाइलकोलाइन से मिल रहा था। लेकिन जैसे ही एसिटाइलकोलाइन जो है वो क्या हो गया, खत्म हुआ, तो मेम्ब्रेन को जो मसल फाइबर को जो स्टिमुलस मिल रहा था वो क्या हो गया, वो खत्म हो गया, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो स्टिमुलस मिल रहा था वो खत्म हो गया। जब स्टिमुलस मिलना खत्म हुआ तो क्या हुआ, कैल्शियम पंप क्विकली मूव्स द कैल्शियम आयन बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो जो कैल्शियम बाहर आ गए थे अब वो कैल्शियम दोबारा कहाँ जाना शुरू हो जाएंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। यहाँ पर कुछ होते हैं प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कैल्शियम पंप, जिनको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम पंप। मिसाल के तौर पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में यहाँ पर लगे हुए होंगे कैल्शियम पंप, और वो कैल्शियम पंप क्या करेंगे, वो एनर्जी इस्तेमाल करके यानी एटीपी को इस्तेमाल करके, जब भी पंप वाला जो यूज होगा ना, जब भी टर्म, तो इसका मतलब भी पंप क्या यूज करता है, हमेशा एनर्जी यूज करता है। तो एटीपी को इस्तेमाल करके ये कैल्शियम आयन को दोबारा किसमें ले जाएंगे, कैल्शियम आयन को दोबारा ले जाएंगे कहाँ पर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और वो जो कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ लगा हुआ था वो भी वहां से हट जाएगा, और साथ में जो साइटोसोल होगा, साइटोप्लाज्म है या सार्कोप्लाज्म है, उसके अंदर भी क्या होगा, कैल्शियम आयन कम हो जाएंगे। जब उसमें कैल्शियम आयन कम होंगे तो फिर क्या होगा, कंसिक्वेंटली मसल फाइबर रिलैक्स, और मसल फाइबर दोबारा क्या हो जाएगा, रिलैक्स होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एटीपी जब मसल का एक जो है वो मायोसिन को एक्टिन के साथ जोड़ने के लिए भी एटीपी चाहिए था, और इसको तोड़ने के लिए भी क्या चाहिए होगा, एटीपी चाहिए होगा, और जब मसल तोड़ने के लिए भी एटीपी चाहिए होगा, और ये दोबारा जाकर अटैच ना हो जाए इसके लिए एसिटाइलकोलाइन को भी यहाँ से खत्म करना पड़ेगा। जैसे ही एसिटाइलकोलाइन को भी खत्म करना पड़ेगा, कैल्शियम को दोबारा किसमें भेजना पड़ेगा, दोबारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भेजना पड़ेगा, जब जाकर मसल्स क्या होगा, मसल दोबारा रिलैक्स होगा। अभी एक दफा रिलैक्स हो गया, लेकिन अब जब दूसरी नर्व इम्पल्स होगी दोबारा कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगी, दोबारा रिलैक्स रिलैक्स होगा, दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसे ये कंटिन्यू प्रोसेस क्या है, चलता रहता है। तो अब इन दो इवेंट्स में क्या याद रखोगे, पहले इवेंट्स में क्या हुआ, पहले इवेंट्स के अंदर जो है वो आपने याद रखना है, किसके बारे में याद रखोगे, पहले इवेंट्स के अंदर आपने इस एंजाइम का नाम याद रखना है, एसिटाइलकोलाइन एस्टरेज, इस एंजाइम का नाम याद रखना है, और इस एंजाइम का काम क्या है, ये एसिटाइलकोलाइन को डीकम्पोज करता है या ब्रेक डाउन करता है। पहले इवेंट में तो एसिटाइलकोलाइन जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, दूसरे इवेंट में क्या हो रहा है, जब एसिटाइलकोलाइन ब्रेक डाउन हो रहा है तो जो मसल फाइबर को स्टिमुलस मिल रहा था वो खत्म हो गया, जैसे स्टिमुलस मिलना खत्म होता है तो कैल्शियम पंप एक्टिव हो जाते हैं, और जब कैल्शियम पंप एक्टिव हो जाते हैं तो कैल्शियम दोबारा किसमें जाना शुरू हो जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, जब वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चला जाता है तो वो जो ट्रोपोनिन था वो दोबारा अपनी पुरानी वाली शेप में आ जाएगा, फिर दोबारा वो बाइंडिंग साइट जो है वो ट्रोपोनिन, तो
ट्रोपोमायोसिन उसी जगह पर जाकर बाइंडिंग साइट को क्या कर देगा, बंद कर देगा, और उसके कंसिक्वेंटली जो है वो उसके रिजल्ट में क्या होगा, उसके रिजल्ट में मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। सो इट वॉज ऑल अबाउट मसल कॉन्ट्रैक्शन। जी कोई क्वेश्चन हो तो करो।